हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। हम लोग प्रीवियस पार्ट में रिफ्लेक्शन को कवर किया था। इस पार्ट में हम लोग केवल कवर करेंगे लाइट का रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन। परावर्तन तो कर लिए, अब क्या करेंगे? अपवर्तन। तो टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, थोड़ा उस पर एनालिसिस कर लिया जाए कि हम लोग कितना एबल हो सकेंगे और इसमें क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, और पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग इसको कवर करेंगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखिए बाबू, पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे, सेकेंड टाइप्स ऑफ मीडियम, यानी वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तो उसका नेचर क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, क्या स्पीड डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड सेम होता है या डिफरेंट होता है, ये सब हम लोग इससे जानकारी प्राप्त करेंगे, नॉलेज हम लोगों का बढ़ेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, रिफ्रैक्शन, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अपवर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये सब कंडीशन को देखा जाएगा। देखो उसके बाद लेंस एंड बेसिक टर्म्स, लेंसेज के बारे में समझेंगे, रूल्स एंड रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम लेंसेज, इमेज फाउंड बाय लेंसेज, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लास्ट में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को कवर करते हैं। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, इंट्रोडक्शन पे। देखो बाबू, When ever light moves in one same medium is follow a straight line path. जब किसी सेम मीडियम में, जैसे सपोज कीजिए एयर है, तो लाइट जो ट्रेवल करेगा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा ना, ये जो लाइट आएगा रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मीडियम आ जाए, अनदर मीडियम, जैसे ये एयर था और ये वाटर हो गया, तो जब एयर से वाटर में जाएगा तो ये स्ट्रेट ना जा करके बैंड हो जाएगा, ठीक है? तो कोरोना नहीं हुआ है। तो यहाँ देखो, एयर से कहा गया वाटर में, तो ये अब अगर सेम मीडियम में लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट पास करेगा तो स्ट्रेट जाएगा। लेकिन यहीं पे बट व्हेन इट्स ट्रेवल फ्रॉम वन टू अनदर इट्स पास डज नॉट रिमेन अ स्ट्रेट लाइन, तब उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, या तो वो बेंड होगा, या ये नॉर्मल से दूर हटेगा या पास आएगा। तो उस कंडीशन को आगे हम लोग समझेंगे। देखिए अब बोल रहा है मीडियम, व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम, मीडियम क्या होता है? तो मीडियम रेफर्स टू एनी सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच लाइट कैन पास, यानी जिस किसी सब्सटेंस से रे ऑफ लाइट या मटेरियल से पास करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम ऑफ लाइट। जैसे वाटर, एयर, ग्लास, ये सब क्या है, मीडियम ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखिए केस, अब ये देखिए टाइप्स ऑफ मीडियम कितना होता है, दो, रेरर मीडियम और डेंजर मीडियम। ये रेरर मीडियम क्या होता है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होगा डेंजर मीडियम के अकॉर्डिंग। लेकिन क्यों होगा, तो ये देखते हैं, विच हैज लेस डेंसिटी, जिस सब्सटेंस या मटेरियल का डेंसिटी लेस होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगा, देख लो बाबू मोर होगा, ज्यादा होगा, और तो उसको हम लोग कहेंगे रेरर मीडियम। अब ये नहीं कि रेरर किसको बोलेंगे और डेंजर, तो ये कंपैरिजन किया जाता है दो सब्सटेंस या मटेरियल के बीच में, जैसे एयर और वाटर हो गया, जैसे एयर और वाटर हो गया, तो इसका जो डेंसिटी होता है ये क्या होता है, लेस होता है वाटर के डेंसिटी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के लिए ये एयर, वाटर के लिए एयर जो है वो क्या होगा, रेरर होगा, और एयर के लिए वाटर क्या होगा, डेंजर होगा। तो दो सब्सटेंस में, यानी दो मीडियम में हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो उसी को बोलते हैं ये रेरर और डेंजर, कौन किसके अकॉर्डिंग रेरर है, कौन किसके अकॉर्डिंग डेंजर है। आइए देखते हैं डेंजर मीडियम, विच हैज मोर डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, वैसे मटेरियल जिनमें जिनकी डेंसिटी क्या हो,
मोड़ हो और स्पीड ऑफ लाइट लेस हो एज फॉर डायमंड। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स रिफ्रैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाता है, लाइट का रे, तो क्या होता है, बेंड हो जाता है। उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे देखिए, इंसिडेंस रे एयर, अनदर मीडियम वाटर, यहाँ से आया तो जाना चाहिए था स्ट्रेट, मगर ये क्या हुआ, बेंड हो गया अनदर मीडियम में। यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सब टॉपिक्स को देख लेते हैं। इंसिडेंस रे, द रे डेट स्ट्राइक द सरफेस, इट इज अ इंसिडेंस रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट वेयर इंसिडेंस रे स्ट्राइक द सरफेस, वैसे जगह जहाँ पे इंसिडेंस रे स्ट्राइक करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, द रे डेट चेंज इट्स पाथ वेन इट्स ट्रेवल फ्रॉम अनदर मीडियम टू अनदर। जैसे यहाँ से आया स्ट्रेट, यहाँ से अपना स्ट्रेट चेंज कर दिया पथ, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो बस आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कल और इसी जोश उमंग के साथ। सो बाय माय डियर स्टूडेंट्स।